दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में फ्री में पबजी को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को पहले वॉच करो। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसका एक दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है पबजी को आप पीसी में खेल सकते हो। ये वीडियो को आप उसका दूसरा पार्ट कह सकते हो क्योंकि इस वीडियो को मैं हम उसी के बारे में बात करेंगे कि पबजी को पीसी में कैसे खेल सकते हो। देखो यार, अगर आप एक न्यू यूज़र हो या फिर एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो या फिर एक अच्छा गेमर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि आपको जो है कीबोर्ड में मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा प्लेयर या फिर एक अच्छा गेमर हो सकते हो। ये जो कीबोर्ड होता है उसका क्या फंक्शनलिटी होता है पबजी गेम के अंदर, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो वीडियो का एंड तक देखते रहो। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो हो सकता है मे भी थोड़ा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, या तो आप ट्विटर से कर सकते हो या तो फेसबुक, तो फिलहाल मैं अभी फेसबुक से करता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे की के फंक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे कौन से की का क्या फायदा है, ठीक है, पूरा फंक्शन को हम समझेंगे वन बाय वन करके। अभी देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी जैसे जैसे मैं मूवमेंट करता जाऊंगा, जो जो चीज मैं करता जाऊंगा वो आप लोगों को समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मूवमेंट करना है, तो मुझे आगे जाने के लिए W को प्रेस करना है। जब मैं W प्रेस करूंगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पीछे आना है तो S प्रेस करना होगा, S से मैं पीछे आ रहा हूं, ठीक है। मुझे अगर लेफ्ट जाना है तो मुझे A प्रेस करना होगा, और मुझे राइट जाना है तो मुझे D प्रेस करना होगा, समझ गए। W से आगे, S से पीछे, लेफ्ट के लिए A और राइट के लिए D, अब समझ गए चारों तरफ कैसे मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। अच्छा, अभी मुझे अगर स्पीड दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो बैक स्पेस के बगल में जो की है प्लस या फिर इक्वल टू का, उसको जब आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये फास्ट दौड़ना स्टार्ट कर देगा। और आपको जंप करना है तो आपको स्पेस दबाना होगा, स्पेस, जब आप स्पेस बार दबाओगे तो आपका ऑटोमेटिक जंप करेगा, ठीक है। अभी देख रहे हो आप, मैं राइट लेफ्ट ऑटोमेटिक मूव कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, तो जो माउस है आप जैसे जैसे जिधर भी माउस को घुमाते जाओगे आपका डायरेक्शन उधर उधर ही चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब ये दौड़ना लग गया, अब मैं अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो कैसे रोकूंगा इसको, तो W S A D इन सभी में से, चारों में से कोई भी एक की को प्रेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। मैं मान लो S को प्रेस कर देता हूँ, ये रुक गया, ठीक है। कोई भी की को प्रेस करोगे अगर ये स्पीड दौड़ रहा है तो वो रुक जाएगा। अब आपने देखा होगा कि हम फाइट करते हैं, तो फाइट कैसे करते हैं, फायर या फिर फाइट लेफ्ट क्लिक से होता है। देखो लेफ्ट क्लिक करोगे ऐसे से तो आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। अगर फायर करना है या फिर पेन चलाना है कुछ भी, तो आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप फाइट करोगे। अगर राइट क्लिक करोगे तो आपका जो है जूम होगा, राइट क्लिक से आप एमिंग बना सकते हो, एम कर सकते हो, ठीक है। एमिंग के लिए राइट क्लिक होता है और फायर के लिए लेफ्ट क्लिक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लो मुझे कहीं क्लिक करना है, अभी मैं माउस चला रहा हूँ तो ये तो उसका बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मान लो मुझे कहीं क्लिक करना है, साउंड बंद करना है या फिर सेटिंग में जाना है, तो कैसे जाऊंगा, मुझे कर्सर चाहिए, तो कर्सर को रिलीज कैसे करूंगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करोगे तो गेम से मैं बाहर आ गया और मेरा जो रिलीज हो गया ये माउस, ये कर्सर। अब इस कर्सर को आप जहां भी क्लिक करोगे उस सेटिंग पे जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो। देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लो इधर में जाना चाहूँ, इधर कहीं भी आप जाना चाहो तो आप सेटिंग से जा सकते हो। आप वापस अगर आना है तो फिर कंट्रोल का दबा दो, आप वापस से फिर कंट्रोल के गेम के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अब तो हमने सीख लिया मूवमेंट कैसे करते हैं, जंप कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, फायर कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी को हम कैसे चलाते हैं। देखो गाड़ी के पास जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला होता है एक ड्राइव का, दूसरा गेट इन का। तो ड्राइव के लिए एफ का ऑप्शन दिख रहा है और जी दिख रहा है गेट इन के लिए। तो एफ जब आप प्रेस करोगे तो आप उस सीट पे बैठोगे जहां पे ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर वाले सीट पे, और जी प्रेस करोगे तो आप पैसेंजर वाले सीट पे बैठोगे पीछे। तो मैं एफ प्रेस करता हूँ, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, तो इसको भी ड्राइव करने का सेम प्रोसीजर है जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं, WSAD, W से आगे, S से पीछे, और W+A से लेफ्ट, और W+D से राइट, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसा मूवमेंट हो रहा है। अगर मान लो गाइस कि अगर मुझे गाड़ी को बहुत ज़्यादा बूस्ट में स्पीड में लेके जाना है, ठीक है, तो आपको गाड़ी को W दबा कर रखना है, साथ ही साथ आपको शिफ्ट को प्रेस करना है। देखो पीछे से आपको देख सकते हो फायर निकलने लग गया, बूस्ट हो रहा गाड़ी, आप जिधर चाहोगे उधर आपका गाड़ी पूरा बहुत फास्ट में आप जा सकते हो। ये तो गाड़ी का हो गया। अब गाड़ी में तो हम चढ़ तो गए लेकिन अगर हमें उतरना है तो हम उतरेंगे कैसे गाड़ी से, ठीक है। फिर से आपको F प्रेस करना है,
ठीक है। अब ऐप से देखो होता क्या है, तो ऐप से आप किसी डोर को ओपन कर सकते हो, फायर कर सकते हो, किसी पिकअप कर सकते हो, कुछ भी गिरा हुआ अगर है तो कोई गन को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। इक्विपमेंट आप लगा सकते हो, ऐप से पिक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं गन आपको सिस्टम दिखाता हूँ, गन में क्या कैसे होता है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे गन के पास आ गया, आ गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गन में तीन ऑप्शन दिख रहा है, एफ जी एच। अब यहाँ पे एफ अगर हम पिक करते हैं तो जी और एच का क्या मतलब है, जब मान लो आप गेम खेल रहे हो और वहां पे बंदा है तो क्या करोगे आप, माउस को क्लिक लाओगे, कर्सर को क्लिक करोगे तब उठाओगे क्या? नहीं, वहां पे आपको तुरंत उठाना पड़ता है। तो मान लो कि अगर हम मुझे तीसरा वाला आइटम उठाना है तो मैं सीधा एच को प्रेस करूंगा, वो तीसरा वाला आइटम को पिक कर लेगा। मान लो कि मुझे सीधा पहला वाला आइटम उठाना है तो पहले वाले को मैंने पिक किया, वो सीधा उसने पहले वाले को उठा लिया। मान लो बीच वाले को उठाना है तो बीच वाले को उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी को प्रेस करूंगा, वो बीच वाला उठा लेगा। समझ रहे हो, तीनों में से जो भी पिक करना है आप उसको चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हो। ये तो हो गया गन उठाने की बात। अब यहाँ पे लेवल थ्री का बैग, लेवल टू का बैग, लेवल वन का बैग। लेवल थ्री का बैग जो होता है उसमें ज्यादा कैपेसिटी होता है, लेवल थ्री का वेस्ट जो होता है उसमें ज्यादा गोली को रोकने का क्षमता होता है। लेवल थ्री का वेस्ट मैंने ले लिया ऐप से, उसके बाद ऐप से मैंने लेवल थ्री का बैग भी ले लिया, अभी यहाँ पे सब कुछ ले लिया। एक्सटेंडेड मैग क्या होता है, एक्सटेंडेड मैग से आप अपनी गोली का कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, और सप्रेसर से क्या होता है आपका जो रिकॉइल है, या फिर कह लो कि आप हाइड हो जाते हो, अब जब कोई फायर करोगे तो बंदे को ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से फायर कर रहे हो। अभी हम आते हैं एमओ को लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हमने एमओ लिया, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको रिलोड कैसे करेंगे। मान लो गन है, ठीक है, इसको रिलोड करना है तो आर जब प्रेस करोगे आर, तो ये ऑटोमेटिक गन को रिलोड करना स्टार्ट कर देगा। देखो ठीक है, ये रिलोड कर रहा है, और जैसे इसका रिलोड कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आता है, मैं एक स्कोप लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्कोप से फायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक 6x लिया, जी से मैंने 6x पे प्रेस किया, 6x मुझे मिल गया। अभी आओ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे होता है, ठीक है। मान लो कि वहां पे पहाड़ पे उस बंदा, वो छोटा वाला पहाड़ पे बंदा है, ठीक है, उस पहाड़ पे बंदा है, एनिमीज अहेड। अगर ये शॉर्टकट है, मुझे एनिमीज अहेड करना है तो F2 प्रेस करना होगा, F2 प्रेस करूंगा तो एनिमीज अहेड, F1 प्रेस करूंगा तो आई गॉट सप्लाइज, ठीक है। अभी देखो अभी होता क्या है ना, मान लो वहां पे मुझे मारना है बंदे को, स्कोप मेरे पास है तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो एमिंग होगा, स्कोप होगा तो स्कोप खुलेगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मुझे फायर होगा, फायर हुआ, देख सकते हो वो बोर्ड गिर गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो एम होगा, सॉरी राइट क्लिक करूंगा तो एम होगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो फायर होगा, ठीक है। और अगर नॉर्मली फायर करना है तो सिर्फ लेफ्ट क्लिक करो, फायर होता जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मैं मान लो कि इस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह मैं खड़ा हूँ और अगर वो बंदा मुझे देख रहा है और मुझे छुपना है तो मैं सी प्रेस करूंगा तो ये क्रॉच हो जाएगा, ठीक है, बैठ गया, वो बंदा मुझे नहीं देख सकता। लेकिन मान लो कि बंदा कोई है मेरे आमने सामने और मुझे सोना है, ठीक है, प्रोन होना है, तो मैं जेड प्रेस करूंगा और मैं प्रोन हो जाऊंगा। देख सकते हो कि मैंने सो गया यहाँ पे और मैं प्रोन हो गया। अब अगर मुझे फिर से खड़ा होना है तो मैं स्पेस दबाऊंगा तो मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा, और अगर मुझे यहाँ पे बैठना है तो सी दबाऊंगा तो मैं बैठ गया, ठीक है, ये तो पूरा सिस्टम होता है। अच्छा, मान लो कि मुझे उसको मारना है, ठीक है, और मुझे पिक करके मारना है, मैं नहीं चाहता कि मेरा अपना बॉडी दिखे, तो मैं ई प्रेस करूंगा तो राइट साइड में पिक करेगा, ठीक है, मैंने मारा उसको, खत्म। फिर मुझे अगर लेफ्ट साइड से पिक करना है, मान लो मुझे लेफ्ट साइड से पिक करना है तो क्यू प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड से पिक करेगा, ठीक है, मैंने मारा उसको, वो खत्म। देख रहे हो, ऐसे पिक करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, राइट साइड पिक करने के लिए ई प्रेस करना है और लेफ्ट साइड पिक करने के लिए क्यू प्रेस करना है, ठीक है। अगर बिना स्कोप का आपको समझना है तो ऐसा समझ लो, बिना स्कोप यहाँ पे देखो, ई प्रेस करूंगा तो राइट साइड और क्यू प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दोस्तों हम जंप कैसे करते हैं। ये तो मैंने तुम्हें आपको बता दिया कि स्पेस बार से हम जंप करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, मान लो कि हम प्लेन पे बैठे हैं, हम गेम स्टार्ट हो रहा, प्लेन अगर मूव चल रहा है तो उस पर जंप कैसे करना है, तो वहां पे भी एफ आप प्रेस करोगे तो आप जो है जंप कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सारा जो फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, और बाय द वे यहाँ पे आपको राइट साइड में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट सेटिंग का, इसमें भी जो है आपको जो है यहाँ भी जो आपको कैसे खेलना है वो सारा सेटिंग आपको यहाँ भी दिख रहा है, सारा कीज का मतलब आपको यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है। अभी मुझे कुछ रह गया, मैं बताता हूँ, कुछ आपको और मुझे याद आया एक चीज बताता हूँ, भूल गया मैं बताना, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, एक मिनट। जैसे देखो ये पेन किलर होता है और ये ड्रिंक होता है, जैसे मानो ले लिया मैंने, ठीक है,
और नेट भी मैंने लेता हूँ, रुको मैं नेट भी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये होता है। रुको वेट, मुझे नेट उठाने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो नेट कहाँ गया, नेट कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे नहीं, नेट यहाँ पे भी नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब जैसे मान लो दोस्तों कि अगर आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आपका हेल्थ घट गया, आपको ड्रिंक पीना है या फिर पेन किलर लेना है, तो आप जब जीरो को प्रेस करोगे, जीरो को, तो ऑटोमेटिक ये देखो ड्रिंक जो भी होगा वो उसको लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप जब नौ को प्रेस करोगे तो आपके पास बैंडेज होगा, तो वो बैंडेज को लेना स्टार्ट कर देगा, बैंडेज लगाना स्टार्ट कर देगा, शॉर्टकट है। और आठ जब प्रेस करोगे तो वो हेल्थ किट जो होता है, बड़ा वाला बॉक्स हेल्थ किट, उसको वो लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मान लो कि आप माउस को क्लिक करके, बैग को ओपन करके ऐसे नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यूज करोगे तो आप भी डायरेक्टली जो है पेन किलर लगा सकते हो, लेकिन शॉर्टकट कीज के मदद से आप कैसे लगा सकते हो, तो ये मैंने बता दिया। ड्रिंक या पेन किलर लेना है तो जीरो से, और बैंडेज लगाना है तो नाइन से, और हेल्थ किट लगाना है तो एट से। ये था ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपको नेट करना है कहीं पे, मेरे पास तो नेट ही नहीं, मैं दिखाता हूँ पे होता है नेट। नेट करना है अगर आपको, तो चार से, आप चार से थ्रो करोगे तो नेट जाएगा, ठीक है। पांच से जब फेंकोगे तो पांच से आपका स्मोक जाएगा, चार नंबर से जब आप थ्रो करोगे तो आपका नेट जाएगा, और पांच नंबर से आपका, सॉरी, चार नंबर से आपका जो है वो जाएगा नेट, पांच नंबर से आपका जाएगा स्मोक, और छह नंबर से जाएगा आपका स्टंट ग्रेनेड, या फिर आपका एक तो ये होता है मोल्टो जो होता है, जो पेट्रोल वाला सिस्टम होता है, वो आप मोल्टो फेंक सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंडर में कर देता हूँ, चार से जो है आप नेट कर सकते हो, पांच नंबर से जो है आप स्मोक फेंक सकते हो, और छह नंबर से जो है आप मोल्टो या फिर स्टंट ग्रेनेड फेंक सकते हो, जीरो से जो है आप ड्रिंक या पेंसिल ले सकते हो, नौ से बैंडेज लगा सकते हो, और आठ से जो है आठ नंबर को प्रेस करोगे तो आठ नंबर को प्रेस करने से आप जो हेल्थ किट लगा सकते हो। तो ये था कुछ शॉर्टकट, अब जो है आप इसको खेल सकते हो। अब जितना इसको खेलोगे, जितना आप इसका कीबोर्ड जो है आपको याद रहेगा, उतना अच्छा से उतनी फास्ट जो है आप खेल सकते हो, और आप जो है एक बेस्ट प्लेयर बन सकते हो। ओके गाइज, अगर आपको इसको फुल स्क्रीन करना, मान लो इस गेम को मुझे अभी यहाँ, मुझे इसको फुल स्क्रीन करना है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप फुल स्क्रीन दिख रहा है, फुल स्क्रीन इसको क्लिक कर देना है। अब ये फुल स्क्रीन में आ गया, ठीक है, मेरा गेम फुल स्क्रीन में आ गया। अब मान लो फुल स्क्रीन में आ गया, अब मुझे फिर से इसको छोटा करना है, तो F11 जब प्रेस करोगे तो वापस ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन अगर वहां से नहीं, तो यहां से भी आप कर सकते हो, इसको दबाओगे तो फुल स्क्रीन हो गया, और F11 फिर से प्रेस करोगे तो आपका गेम फिर से छोटा हो गया। ओके, तो ये था दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग। अब दोस्तों आप भी अच्छे से खेल सकते हो, और इसको प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ट्रायल मोड में, ट्रेनिंग मोड में जितना खेलोगे, उतना जो है आप जो है एक्सपर्ट बनते जाओगे, और एक टाइम जो आएगा जब आप भी जो है प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पबजी को पीसी में कैसे खेलते हैं ये सवाल अब आपके दिमाग में नहीं होगा, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, पूरे डिटेल में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया, सब कुछ समझा दिया। अब आप लोगों को जो ये दिमाग में अब नहीं आएगा सवाल कि पबजी को पीसी में कैसे खेलते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप में चाहें तो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में उसमें मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।